अगर आप गढ़वाल घूमने आते हैं, कर्णप्रयाग के ऊपर की तरफ आते हैं या गैरसैंण जाते हैं, तो आपको एक जगह और प्राचीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये चांदपुर गढ़ी का किला है। और ये बताते हैं जो पंवार वंश के सबसे पहले एक राजा कनक पाल थे, उन्होंने चांदपुर गढ़ी को इसको राजधानी बनाया था और यहाँ एक किला बनाया था। अगर देखें तो आज अवशेष केवल इसके मिलते हैं, क्योंकि राजा कनक पाल का 699 ईस्वी में वो यहाँ आए थे और तब से आज तक ये किला, इसका अवशेष बचे हैं। हालांकि ये अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अधीन ये है। और यहाँ जो किला बना है ये बहुत ही उस प्राचीन ज़माने के हिसाब से देखते हैं। तो इसके बारे में ज़रा सा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्थानीय मौजूद हैं अरुण मेठानी जी। सब मेठानी जी, क्या है इस किले का इतिहास, अगर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखते हैं तो? कहते हैं कि यहाँ पर जो पवार वंश के राजा कनक पाल थे वो आए थे, और कनक पाल ने ही इसको अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि ये गढ़ चांदपुर गढ़, गढ़ का मतलब होता है कि एक गढ़ी जो बोलते हैं, एक टीला नुमा एक जो स्थान होता है, ये बड़ा सुरक्षित स्थान था, क्योंकि इसके चारों ओर गाँव की बसावट है। जी और राजा ने भी अपने इस किले की ओर चारों ओर जो है अपने सैनिक, अपने जो दरबारी लोग थे उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं बनाई थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बहुत सुरक्षित स्थान था, और यहाँ से जब राजा बाहर गए, राजा ने जब ये घड़ी छोड़ी, तो यहाँ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर, श्रीनगर से टिहरी, और टिहरी के बाद वर्तमान में जो राजा का महल है नरेंद्र नगर, तो नरेंद्र नगर पहुँचे। और नरेंद्र नगर पहुँचने के बाद आज वर्तमान में जो हमारे अभी भी राजा के रूप में जिनको माना जाता है वो मनुजेंद्र शाह हैं, जो आज भी बद्रीनाथ, जिनके यहाँ से दिन निकलता है, बद्रीनाथ का दिन इसीलिए उनके यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि बताते हैं कि उनको बोलांदा बद्री भी बोलते थे। ये जो ऐतिहासिक स्थल है, जरा सा इसका थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं। ये मंदिर है और राजा का जो आवासीय परिसर भी था, और ये दक्षिण काली का मंदिर है। राजा जिनकी उपासना करते थे, राजा उपासक थे, और ये दक्षिण काली का मंदिर है। इसी में राजा का अंदर जो आवास है वो बना हुआ है, और ये आवास बना हुआ है उनका यहाँ पर, लेकिन अवशेष हैं अभी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर बोर्ड है, उनके अधीन ये पूरा किला है। यानी एक तरीके से कहें तो इस किले में जो बनावट है, इसकी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। किले में जो सीढ़ियां, किला ये बना है, ये अगर बैरिक हम देखते हैं तो बताते हैं, इस किले के चारों तरफ ये बैरिक हैं, और ये बैरक हैं जो सैनिक थे सुरक्षा के लिहाज से। चारों तरफ अगर हम देखते हैं इस किले के, तो ये इस तरीके के बैरिक बने हुए हैं, और काफ़ी प्राचीन किला है। देख, पत्थर की अगर इसकी हम बनावट देख रहे हैं, तो ये वो पत्थर है जो पहाड़ पर एक रॉक, जो ब्लैक रॉक होती है उसका पत्थर है। स्लेट भी इसको बोलते हैं, स्लेटी, जिसके मकान भी हम देखते हैं पहाड़ पर, जो गांव के मकान हैं वो मकान इसी पत्थर पर, उनकी छत इसी पत्थर से छत बनी होती है, पत्थर के टुकड़ों से। यानी एक तरीके से कहें, अगर आप गढ़वाल आते हैं, और ये कर्णप्रयाग से जब गैरसैंण का रास्ता है तो तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर, और आगे आदि बद्री प्राचीन स्थान है, मंदिर है वहाँ, उससे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर पहले ये चांदपुर गढ़ी पड़ता है। यानी आप अगर गढ़वाल आएँ तो आपको ये प्राचीन एक स्थल, एक प्राचीन किला भी देखने को मिल सकता है। आप आएँ, और हम तो यही कहेंगे कि आप जब गढ़वाल घूमने आएँ तो फिर कोशिश करिए कि ये चांदपुर गढ़ी का किला भी ज़रूर देखिए। इससे आपको गढ़वाल में, गढ़वाल की प्राचीन राजधानी के बारे में पता चलेगा, और पंवार वंश के बारे में भी जानकारी मिलेगी।